राजनीति में लूट और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम सपा है। जी हाँ, अखिलेश यादव की कुंडली को खंगालने पर यह साफ हो जाता है कि सत्ता मिलते ही समाजवादी पार्टी का लूट अभियान शुरू हो जाता है। आइए आपको अखिलेश राज में लूट भ्रष्टाचार की कहानी को विस्तार से समझाते हैं। 97,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इन 5 सालों में जमकर लूट और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। 2019 में सीएजी रिपोर्ट ने सपा शासन के दौरान 97,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उजागर किया। इतनी बड़ी रकम का कोई हिसाब सपा सरकार ने नहीं दिखाया। बिना टेंडर निकाले 662 करोड़ रुपए के कार्य आवंटित किए गए। रातों रात फर्जी कंपनियां बनाई गई। एक ही प्राप्तकर्ता को एक ही विभाग से एक समान राशि आवंटित की गई, लेकिन यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मुहैया नहीं करवाया गया। सपा के शासन में खनन घोटाला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए खनन मंत्रालय को अपने पास रखा तो वहां भी घोटाला किया। हाईकोर्ट का साफ आदेश था कि खदानों की लीज बिना ई टेंडर के नहीं दी जाए, लेकिन इन्होंने 17 फरवरी 2013 को एक ही दिन में 13 खनन पट्टों को स्वीकृति दे दी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। 656 करोड़ रुपए का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट देखते देखते 1513 करोड़ का हो गया। इसमें से 95% राशि खर्च होने के बावजूद 60% प्रोजेक्ट ही पूरा हुआ। आयोग कंपनियों को करोड़ों के टेंडर मिले। सामग्री की खरीद के लिए भी उन्हें ही अधिकृत कर दिया गया और मूल्य का 1.5-2 गुना भुगतान किया। 1,00,000 रुपए से अधिक का काम बिना टेंडर के नहीं दिया जा सकता, लेकिन सपा सरकार ने रिवर फ्रंट के 27 ऐसे काम बिना टेंडर के सौंप दिए। बिना टेंडर का सबसे बड़ा सौदा फ्रांस की कंपनी एक्वेटिक शो इंटरनेशनल के साथ हुआ, जिसके तहत गोमती में लगाने के लिए एक संगीतमय फवारा खरीदा गया। इसकी कीमत लगभग 56,00,000 यूरो थी, जो 50 करोड़ रुपए के करीब है। सपा की इन करतूतों को जानने के बाद अब आप खुद तय कीजिए कि जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाली पार्टी को वोट देना क्या उचित है।